अब जाके मैं यहां पर पहुंचा हूं और आधे रास्ते तक खुद पुलिस मुझे छोड़ के गई। जी हां गाइस, इस तरफ से उनको, इस तरफ से नहीं, उधर से हमें पड़ेगा। इधर से, इधर से यार, सर थोड़ा सा मैनेज करके इधर से निकलवा दो सर। जो मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर पुलिस है उनकी मैं दिल से सराहना करता हूँ, साथ ही साथ उनसे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने हमें इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की और हमें इतना सपोर्ट किया, व्यवस्था को संभालने में उन्होंने इतनी मदद की। दिल से थैंक यू मंदसौर पुलिस को। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग तो इस बारे में जानते भी नहीं होंगे कि भाई मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ या फिर ऐसा क्या हो गया। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस यार, ये बात है 19 जून 2022 की। कैमरा रोलिंग, ऑलराइट गाइस। तो यार सीन क्या है, सीन मैं आपको बता देता हूँ। मैं हूँ अभी मंदसौर में, मध्य प्रदेश के अंदर, और गाइस यार यहाँ पर मुझे जो है एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग मिल के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक ऑफिशियल अटेम्प्ट करने वाले थे। जी हाँ गाइस, उस दिन ये सब हुआ। तो 19 जून 2022 से ठीक एक महीने पहले मेरे पास एक शख्स की कॉल आती है और सामने वाला बंदा मुझसे कहता है कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक ऑफिशियल अटेम्प्ट करने वाले हैं और आपको इस इवेंट के अंदर यानी कि 19 जून 2022 के दिन वहां पर एज अ चीफ गेस्ट आना है। गाइज वैसे तो मैं ऐसी जगहों पर जाना या फिर ऐसे किसी भी इवेंट में जाना अवॉइड करता हूँ, लेकिन यहाँ पर बात थी भारत देश की, क्योंकि इस रिकॉर्ड से भारत देश का नाम वर्ल्ड के अंदर रोशन होने वाला था। इसीलिए मैंने इस इवेंट के लिए हाँ भर दी। और सामने वाला जो इवेंट ऑर्गेनाइज करा था उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि भैया जो सिक्योरिटीज होगी, जो भी व्यवस्थाएं होगी, वो सारी आपको देखनी होगी। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एग्री हो गए और मैं भी एग्री हो गया। फिर जब इवेंट से ठीक 10 दिन बचे थे, 10 दिन पहले मैंने उनसे एक बार और फ़ोन पे कंफर्म किया कि भैया क्या सारी तैयारियां हो गई, सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें, क्या मैं अपनी सिक्योरिटी साथ में लेके आऊँ या फिर नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कोई भी सिक्योरिटी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी टीम के साथ में आ जाए। इसीलिए मैं पूरी टीम के साथ भी नहीं गया वहाँ पे, सिर्फ 7 बंदे हम उस इवेंट के अंदर पहुँचे, ठीक है गाइस। और जब इवेंट शुरू होने वाला था उससे ठीक 4 या 5 दिन पहले सामने वाला बंदे का फिर से मेरे पास कॉल आता है और वो मुझसे कहता है कि भैया आप एक काम करो ना यार, अब जब आप यहाँ पे इस इवेंट के अंदर आ रहे हो तो क्यों ना एक छोटा सा इस बारे में एक वीडियो बना दो, ताकि हम उसको आसपास के लोगों को दिखा सके और मंदसौर के अंदर जो भी आपके आपको चाहने वाले लोग हैं उन्हें भी पता पड़े और वो लोग भी आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, वैसे भी अपना लोगों से मिलना कम होता है, फैंस से मैं ज़्यादातर नहीं मिल पाता हूँ, तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी और अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया और उनको दे दिया। रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, इसीलिए हम एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। इस बार हम एक नया इतिहास रचेंगे, इससे भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन होगा। इसीलिए इस इवेंट के अंदर मैं खुद भी पर्सनली हिस्सा ले रहा हूं और मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस इवेंट के अंदर पधारें और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। फिर उनकी एक और रिक्वेस्ट आई कि भाई मंदसौर के जो काफ़ी सारे लोग हैं वो इसके अंदर इंटरेस्टेड है और वो आपसे मिलना चाहते हैं बहुत ज़्यादा इच्छा से, तो क्यों ना आप ये जो वीडियो अपने चैनल पर भी पोस्ट कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पता पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, मैंने उनको साफ तौर पर कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने मेन चैनल पे ये वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मेरा एक और चैनल है मिस्टर इंडियन एकर शॉर्ट, जो कि छोटा चैनल है जिस पे लगभग 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ ताकि वो ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगी और जो जो गिने चुने लोग हैं जो उस वीडियो को देखेंगे अगर वो अपने मन से आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। लेकिन तब भी वो वीडियो डालते ही मैंने सीधा उस बंदे को फ़ोन लगाया और कहा कि भैया मैंने वीडियो तो डाल दी है लेकिन आगे जो भी होगा अगर कुछ लोग भी आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी व्यवस्था, उनके खाने पीने की चीजें, सारी चीजें आपको संभालनी होगी, क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा मैंने सारी तैयारियां कर ली है, मैंने मंदसौर के कलेक्टर साहब से भी बात कर ली है, उनसे भी परमिशन ले ली है, जो भी रिक्वायरमेंट नेसेसरी लिखित के अंदर अपने को सारी चीजें परमिशंस लेनी होती है वो सारी मैंने ले ली है, साथ ही साथ वहाँ के जो SP हैं उनको भी मैंने बता दिया है और पुलिस की और प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं मैंने कर ली है, सारी व्यवस्थाएं। तो मैं भी निश्चित हो गया और मैं घर से निकल गया मंदसौर के लिए। भाई लोगों, आज हम फिर से निकल चुके हैं एक टूर पे, हमारी गाड़ी धो रही, हम सब रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं, दिलराज भैया सब पूरी टीम उसमें बैठी हुई है, चल रहे हैं। हम जा रहे हैं मंदसौर और भैया किस लिए जा रहे हैं वहाँ पे? ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे सारी बातें। थोड़ी देर में आपको सारी चीजें हम बता देंगे। मैं बहुत खुश था कि यार चलो आज कुछ लोगों से अपन मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, सभी से मैं हाथ मिलाऊंगा, सभी के साथ में मैं सेल्फीज लूंगा, खुद भी लूंगा, उनको भी लेने का मौका दूंगा, साथ ही साथ दिल से दिल की
बातें करेंगे जब अपन स्टेज पर जाएंगे। लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया तब तक नहीं था जब तक कि जो पीजी कॉलेज ग्राउंड था मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा। मैं होटल में ही था 7-8 बजे तक 19 जून के दिन, और मैं बस अंदर से उतावला हो रहा था कि कैसे कब मैं वहाँ पे जाऊँ और कब सारी व्यवस्थाएं देखूँ। जैसे ही मैं होटल से निकला, भैया कैसा फील कर रहे हो? एक मेहमान की तरह। और भारत का तो आपको पता ही है, अतिथि देवो भव, तो ऑसम, बहुत बढ़िया। गाइस लोग आ चुके हैं। ओह माय गॉड, कितने सारे वेट कर रहे बाहर। हाय, सीधे बैग से अपन स्टेज पे ले जाएंगे। हाँ जी सर, हाँ जी। अरे वहीं पे मिलते हैं, वहीं पे मिलते हैं ना, है ना। सॉरी, माफी चाहूंगा यार, वहाँ पे भी जाना जरूरी है। चलो है ना, सभी से माफी चाहूंगा, वहाँ मिलते हैं ना। टाइटेनियम मारने मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं। ओह माय गॉड, अरे यार, आप लोगों का इतना प्यार देख के मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि यार मैं सभी से क्यों हाथ नहीं मिला पाता हूँ, क्यों ना मैं सभी से गले मिलूं, सभी के साथ में सेल्फी लूं, बस ये चीज का मुझे रहता है। लेकिन क्या करें यार, अब देखो थोड़ा सा रश हो जाता है तो सभी से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना प्यार देते हैं, मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच, आपका भाई आपके लिए। बाकी काफी मजा, अरे भाई लोगों का प्यार है सर। नहीं, भैया को लपेट लिया। देखो गाड़ियां पीछे की। ओह माय गॉड भाई, पीछे। अरे आराम से चलाओ भाई, आराम से, आराम से, आराम से चलाओ यार। ये अनसंड गाड़ियां चला रहे, और मैंने बोल रहा हूँ आराम से चलाओ भाई। इनको देख के मेरे को जोश आ गया। आराम से ना, आराम से देख के मेरे को जोश आ गया भाई। भाई भाई यार, देखो किसी के लग कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ, मेरा यही ये, क्योंकि सभी मेरे लिए भाई हैं। जैसे ही मैं पीजी कॉलेज ग्राउंड तक गया, वहाँ जाने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया वहाँ की मैनेजमेंट और व्यवस्था देख के। भैया आपके भाग रहे हैं, और बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बस आराम से चल रहे थे, आराम चल रहे थे। वो पब्लिक पूरी पब्लिक बहुत ज्यादा थी। वहाँ पे ना जो सब्सक्राइबर्स आए उनके लिए बैठने की व्यवस्था थी, ना उनके पीने की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था। जो मैं आप लोगों से बातें करने वाला था, जो भी वो लोग वहाँ पे आए थे, मैं सब कुछ भूल गया। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि मेरे कहने पर लोग आए हैं और उनके लिए व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि ये इवेंट मेरी तरफ से नहीं था, ये कोई ऑफिशियल मीटअप नहीं था, ये बस एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट होने वाला था, और वहाँ पे मैं बस एक चीफ गेस्ट था, और मैंने कुछ एक छोटा सा वीडियो बना के ऐसे डाल दिया था कि भाई जो लोग आना चाहे वो आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इतने लोग आए,
इतने लोग आए कि वहाँ की व्यवस्थाओं की धज्जियाँ उड़ गई, जो इवेंट था उसकी भी धज्जियाँ उड़ गई। बड़ी मुश्किलों से पुलिस प्रशासन मुझे स्टेज तक लेके गई। बड़ी मुश्किलों से मैंने भीड़ को काबू किया। 10,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे उपस्थित हो गए थे, और कोई अहमदाबाद से आया था, कोई महाराष्ट्र से आया था, कोई जयपुर से, कोई दिल्ली से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे। और मैं सोच रहा था कि मैं सभी से मिलूंगा, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि मैं किसी से भी अच्छे से नहीं मिल पाया। मेरा दिल बिल्कुल टूट गया कि यार इतने लोग इतनी भावनाएं लेके वहाँ तक आए हैं और मैं सभी से नहीं मिल पा रहा हूँ, व्यवस्था वहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो जो भी लोग दूर दूर से आए थे उनसे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ यार कि आप लोग इतनी दूर से आए और मैं आपसे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं क्या करूँ यार, वहाँ पे व्यवस्था ही ऐसी। मुझे पता है युवाओं का कौन है उबलता हुआ, ऐसे नहीं मानता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट अगर ये मीटअप मैं रखता ना, सारी व्यवस्था होती, सब कुछ होता, मैं आपके लिए जितना कर सकता हूँ उतना मैं करने की कोशिश करता। वहाँ पे प्लान था कि कोई नृत्य का कार्यक्रम होगा, कविताएं सुनाई जाएगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो सब प्रोग्राम की धज्जियाँ उड़ गई। वहाँ पे इतने लोग आए और उनका इतना जोश, इतना पागलपन, इतनी खतरनाक तरीके से वहाँ पे टाइटेनियम आर्मी ने जोश दिखाया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। के बाद में पुलिस प्रशासन ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके भीड़ को संभाला, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही मैं स्टेज पे गया, धीरे धीरे और ज़्यादा भीड़ आती गई। तो पुलिस प्रशासन ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़, अगर आप अब ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुके तो व्यवस्था को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपको अब यहाँ से निकलना होगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वहाँ से जाऊँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगर भीड़ बेकाबू हुई तो हमें मजबूरन हो सकता है कि लाठीचार्ज भी करना पड़े, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे फैंस हो या फिर मेरे मुझसे मिलने जो लोग आए हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज तो दूर की बात है यार, उन पे इतनी सी भी मुसीबत आए। इसीलिए मैंने वहाँ से निकलने का फैसला किया, मुझे स्टेज के पीछे से निकल के भागना पड़ा। गाड़ी के अंदर जब मैं बैठा और उस ग्राउंड से जब मैं निकला, काफ़ी सारे लोग बाइकों पे आए एकदम से ऐसे, मैं बस उनको देख रहा था यार कि कितने इनके अंदर उम्मीदें हैं, कितने इनके अंदर आशाएं हैं कि मैं आज हैकर भाई से मिलूंगा और मैं मुझे इस तरीके से निकलना पड़ा।
माफी चाहता हूँ दिल से, मेरी मैंने सोचा था कि सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो इवेंट जिसने कराया था उन्होंने वैसी व्यवस्था नहीं रखी। उनसे मैंने पहले कहा था कि भैया टाइटेनियम आर्मी बहुत खतरनाक है, बहुत जोशीली है, लोग दूर दूर से आएंगे, आप व्यवस्था बना लेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, सारी व्यवस्था हम देख लेंगे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। चलने दो, दिल से बहुत उदास हूँ और दुखी भी हूँ कि मैं सभी से मिल नहीं पाया। गाइस जब मैं वहाँ से निकला, लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक लोगों ने मेरा पीछा किया, यहाँ तक कि वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि मैं अपनी टीम को भी वहीं पे छोड़ के भागना पड़ा। हम सिर्फ 2-3 लोग ही वहाँ से निकले, बाकी कुछ लोग वहीं पे ही छूट गए। मैं अपनी टीम को भी अपने साथ में नहीं ले पाया और 5 किलोमीटर तक लोगों ने गाड़ियों से हमारा पीछा किया। मैं बहुत चाहता था कि यार ये जो गाड़ियों पे आ रहे हैं मैं रुक जाऊँ, इनसे बात कर लूँ, लेकिन वहाँ पे हाईवे था, अगर वहाँ पे रुकता तो व्यवस्था और ज़्यादा बिगड़ जाती। इसीलिए जो भी लोग मेरे पीछे पीछे आए उनसे भी हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने गाड़ी नहीं रोकी और मैं नहीं कर पाया, क्योंकि पुलिस फोर्स और पुलिस प्रशासन का साफ आदेश था कि प्लीज़ यार आप यहाँ से थोड़ा सा निकल जाइए, वरना व्यवस्था और ज़्यादा बिगड़ सकती है। गाइज मैं कह देता हूँ कि मैंने ये मीटअप नहीं रखा था, मैं पूरी तरीके से सामने वाली जो पार्टी है उसके भरोसे पे था कि वो सारी व्यवस्थाएं संभाल लेगी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रही क्योंकि उन्होंने टाइटेनियम आर्मी की जो पावर है उसे अंडर एस्टिमेट किया। यहां तक कि मैंने भी इस चीज को अंडर एस्टिमेट किया कि टाइटेनियम आर्मी की पावर क्या है, और वो मैंने देखी उस इवेंट के अंदर, जबकि मैंने ऑफिशियली कहीं पे भी अनाउंस नहीं किया था कि मीटअप होने वाला है, और बिना ऐसा ऑफिशियल अनाउंस किए भी मैंने टाइटेनियम आर्मी की पावर को देखा कि भैया वो हिला के रख सकती है। मैंने खुद देखा वहां पे, ऐसा लग रहा था कि यहां पे कोई भूकंप आया हो। तो दिलराज भाई आ चुके हैं, तो दिलराज भाई आ चुके हैं, गाड़ी को घेर लिया सब लोगों ने। और इस चीज को देखने के बाद एक चीज तो मैं अच्छे से समझ गया हूं, और मैंने टाइटेनियम आर्मी की पावर देखी है और मैं समझ गया हूं कि मेरा जो एक सपना था वो अब कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। मेरा एक सपना था कि लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, कभी कभार मैं उनसे टाइम नहीं दे पाता, कभी नहीं मिल पाता, तो क्यों ना अपन भी एक ऐसा मीटअप करें और मीटअप के अंदर सभी लोगों से मिले, उनसे हाथ मिलाए, उनके साथ सेल्फीज ले और उनसे दिल से जुड़कर बात करें, अपने मन की खोल की बात करें। लेकिन वो इवेंट देखने के बाद मैं श्योर हूं कि भैया अपन तो मीटअप कर ही नहीं सकते, टाइटेनियम आर्मी की पावर बहुत ज्यादा है। अगर अपन ऐसा करते हैं, अगर मुझे ऐसा करना है तो उसके लिए मुझे आर्मी बुलानी पड़ेगी, साथ ही साथ जितनी भी वहां पर पुलिस फोर्स होगी वो भी आई थिंक उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में नाकाम रहेगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वहां पर क्या हुआ। यहां तक कि मैं YouTube फैन फेस्ट में भी नहीं जा सकता हूं उस इवेंट को देखते हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी आए, क्योंकि अगर मैं ऐसा कोई इवेंट करता हूं तो मुझे अपने साथ में बॉडीगार्ड रखने होंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी सिक्योरिटी के लिए मेरे बॉडीगार्ड्स किसी भी फैन को यूं टच भी करे, क्योंकि जितना मैं इंपॉर्टेंट हूं उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग, मेरे फैंस, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे ऑडियंस, टाइटेनियम आर्मी, क्योंकि उनके होने से मैं हूं और मेरा ये फर्ज बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कभी भी मीटअप नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टाइटेनियम आर्मी इनक्रेडिबल है यार। मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो जहाँ पे भी मीटअप होगा उस जिले की, उस राज्य की वाट लग जाएगी, चक्के जाम हो जाएंगे, पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो पाएगा, इतना रश हो जाएगा, इतना क्राउड हो जाएगा। सोचो यार, एक छोटे से 2 मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले चैनल पे मैंने बस इतना सा पोस्ट किया कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, अगर कोई आना चाहे तो आ जाइए, लेकिन अगर मैं ऑफिशियली आपके चैनल मिस्टर इंडियन हैकर पे ये अनाउंस कर दूँ तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या होगा। गाइस जब मैं वहाँ से निकला ना, मुझे खुशी भी थी और मुझे रोना भी आ रहा था। खुशी इस बात की थी कि यार इतना लोग हमें प्यार देते हैं, आज आप लोगों ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, इतना दिल से चाहते हैं, इस बात की खुशी थी। और दुख इस बात का था कि इतने सारे लोग आए हैं मैं उनसे नहीं मिल पाई। यकीन मानो गाइस, गाड़ी के अंदर मेरा बस मैं रोना ही बाकी रह गया था, लगभग आंसू ही आ गए थे कि यार कि लोगों से मैं मिल नहीं पाया यार, वो दिलराज भैया मिस्टर इंडियन हैकर प्लीज़ मुझसे हाथ मिला लो, प्लीज़ और मैं वो सब देख के वो हो गया।
दिल से बहुत उदास हूँ और दुखी भी हूँ कि मैं सभी से मिल नहीं पाया। और साथ ही साथ मुझे इसलिए भी वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि उस भीड़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे भी थे और उनकी भावनाओं को देख के मैं वो इतना ज़्यादा उत्साहित थे कि वो भीड़ के अंदर उनके चोट भी लग गई होगी, भीड़ के अंदर संभल नहीं पा रहे थे, इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वहाँ से गया, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, लेकिन ये चीज़ आपके लिए ही थी क्योंकि मैं ज़्यादा रुकता तो हो सकता है कि किसी को चोट भी लग जाती, इसलिए मैं वहाँ से निकला। और जो भी लोग अहमदाबाद से, गुजरात से, मुंबई से वहाँ पे आए थे इतनी दूर, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि मैं आप लोगों से अच्छे से नहीं मिल पाया। तो बस यही कहना था, ये बात थी 19 जून 2022 की। और पुलिस प्रशासन का एक बार फिर से मैं थैंक यू बोल देता हूँ कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। रात के 4 बजे तक हमने ड्राइव की वहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ तक, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, बस मैं परेशान हूँ इसलिए सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। मैं बॉडीगार्ड भी नहीं रख सकता अपने साथ यार मैं नहीं चाहता कि मेरी सिक्योरिटी की वजह से मेरे बॉडीगार्ड मेरे ही फैन को बोले कि भैया दूर हो जाओ। अरे क्यों दूर हो जाओ, मेरे से मिलने आए हैं, मुझसे मिलेंगे। खैर, हमने थोड़ा बहुत वहाँ का वीडियो भी शूट किया था, मैं सोच रहा था कि आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोगों से मिले, तो यादगार के लिए मैंने थोड़ी बहुत वीडियो भी वहाँ पर बनाई थी, तो आप वो देखिए। आपको जो भी लोग वहाँ पे नहीं आए या फिर जिनको नहीं पता इस बारे में, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी। ये मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे पहुँचने के बाद, और थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार देते हैं, लव यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक वीडियो मुझे अपने फोन के अंदर भी चाहिए, मुझे भी पता रहना चाहिए कि भाई लोगों से मिले यादगार होनी चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा भाई लोगों के साथ, एक बार प्लीज, थोड़ा पीछे। चीज सही है, जिस खून में जोश नहीं हो